नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में और मैं हूँ आपके साथ रंजीत कुमार। कहते हैं जीवन आसान नहीं है, लेकिन जीवन को आसान बनाया जा सकता है। हम थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा विवेक और बुद्धि से काम लें, संयम से काम लें, तो हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य लोकेश धमेचा जी। आचार्यश्री, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। तो आचार्यश्री, देर न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास आया है वो है नीरज मित्तल जी का, हिसार हरियाणा से लिखते हैं। और सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपका अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है इन्हें, आपके एपिसोड का हमेशा इंतज़ार करते हैं। और कहते हैं कि मेरी ज्योतिष में बहुत रुचि है, मैं काफ़ी पुस्तकें भी पढ़ता रहता हूं। और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यदि एक आदमी अच्छे कर्म करता हो, किसी को परेशान नहीं करता हो, तब भी उसके जीवन कष्टमय और दुखी क्यों रहते हैं, ये समझ में नहीं आता है, इसके बारे में बताइए। तो संस्कार चैनल के सभी व्यूवर्स को सादर प्रणाम। और नीरज जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे कर्म अच्छे होते हैं लेकिन हमें कई बार उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। शायद कर्मों का हमारे पिछले जन्मों से भी संबंध होता है। आप पिछले जन्म में जो कर्म करके आए हैं उसकी कुछ सजा या उसके कुछ फल आपको इस जन्म में झेलने पड़ते हैं। अभी अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रश्न है कि अच्छे कर्म करते हुए भी कई बार हमें बहुत समस्याएँ आती हैं, हमारा जीवन बहुत दुखद हो जाता है। देखिए, सुख दुख, धूप छांव, रात दिन, ये तो हमारे जीवन में लगे रहेंगे। आपको एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चीज़ें बताते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो उस समय सोलर सिस्टम के अंदर जो ग्रहों की दशा, ग्रहों की मूवमेंट और नक्षत्रों की मूवमेंट जिस प्रकार चल रही होती है, हमारा टाइम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक पिक्चर शूट हो जाता है जी। जो पिक्चर शूट होता है उसको हम अपना होरोस्कोप कहते हैं, यानी कि जन्म पत्री बोलते हैं। और विश्वास कीजिए, उस जन्मपत्री के अंदर आपके जीवन के मृत्यु तक के सारे चीज़ें, सारी घटनाएं दर्ज हो जाती हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कई बार ज्योतिषी गणना में त्रुटि हो जाए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ज्योतिष गलत नहीं होता, ज्योतिषी कभी कभी गलत हो सकता है। आपने जो कार्मिक थ्योरी की बात करी, तो हमारी कुंडली में जो दसवां घर होता है ये कर्म का होता है। और शायद जब ब्रह्मा जी ने या जिसने भी ये सिस्टम बनाया, कुंडलियों का स्ट्रक्चर बनाया, मैं अपनी क्लासेस में भी बार बार ये बात बोलता हूँ कि टेंथ हाउस यानी कि जो दसवां घर है आपकी कुंडली का, ये ईश्वर ने आपको दे दिया कि आप इसको अपने आप स्वयं निर्धारित कीजिए जी। कैसे? अपनी कार्मिक थ्योरी से जी, अपने कर्मों से। लेकिन उन कर्मों का रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में दशा, भुक्ति और अंतरा से। बार बार हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन भी किया है। हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में एक ग्रह की दशा चल रही होती है जी। हमारे नौ ग्रहों में एक ग्रह है जिसकी दशा चल रही है। अगर मान लीजिए ये दशा आपके विपरीत चल रही है, यानी कि इस दशा में कुछ समस्या आ रही है, तो आपका टाइम अच्छा नहीं चलेगा जी। तो हो सकता है आपकी दशाएं, अंतर दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं आपको उस प्रकार से रिजल्ट नहीं दे रही होंगी जिस प्रकार से आप अपने कर्म कर रहे हैं, अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तो शायद ये कुंडली का चक्कर है, लेकिन आपके इन चीज़ों के समाधान ज्योतिषीय शास्त्रों में अवेलेबल हैं जी। जिनको हम उपाय बोलते हैं। सारे ग्रह अपनी अपनी गति से चल रहे हैं, एक सर्टेन उनके पास निर्धारित समय है, गति है, सब कुछ है, तो हम नहीं बदल सकते और कोई ज्योतिषी नहीं बदल सकता जी। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग वहां जा सकते हैं, आपकी कुंडली को रीड करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, प्रावधान होते हैं कि हम आपके लिए वहां से कुछ उपाय और फल निकाल के आते हैं जी। तो अगर आपको कर्मों का पूरे तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपकी दशा फेवरेबल नहीं है। आपको किसी भी ज्योतिषी से संपर्क करके या हमारे संस्थान से संपर्क करके उसका चार्ट बनवा के उसके ट्रीटमेंट और उपाय कर लेने चाहिए जी, जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो आचार्यश्री, कहा जाता है कि कर्म आप करें कि ज्योतिष आप ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि कर्म नहीं छोड़ेंगे, पिछले जन्म के भी कर्म है, आपको उसका फल लेना होगा। यस। तो फिर फल जब मिलना है तो फिर ये उपाय कैसे पॉसिबल है? उपाय ऐसे पॉसिबल होता है कि आपको सपोज किसी रफ्तार से चलना है जी, और आपके पास 800 सीसी की कार है जी, तो आपको पता है कि मुझे पहुंचने में तो 12 घंटे 13 घंटे लगेंगे। तो उपायों की मदद से हम आपके 800 सीसी की कार को 1000 सीसी में बदल देते हैं जी। तो यानी कि 12 घंटे का सफर आपका 10 घंटे हो जाएगा, लेकिन चुटकी बजाने से तब भी नहीं होगी, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। राहत मिल जाएगी, थोड़ी सी नहीं। देखिए, जब कभी कोई बहुत गंभीर सिचुएशन में होता है ना जी, उस समय मात्र थोड़ी सी मदद भी बहुत बड़ा काम कर जाती है जी। और कार्मिक थ्योरी और धर्म
हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाभारत है। कर्ण के पास जो विद्याएं थी अंत समय में वो इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि वो शायद अधर्म का साथ दे रहा था। तो कार्मिक थ्योरी को ठीक करने के लिए रेमेडीज बहुत काम करती हैं, मेरा इस पे अटूट विश्वास है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल, और ट्राई करने के साथ साथ हम आपको बता दें कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और स्टार्टअप्स आचार्य श्री से कंसल्टेशन लेकर लाभ उठा रहे हैं, और आपके पास मौका है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके आचार्य श्री से कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अभी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और उस समय सीमा में उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो आपको भी कंसल्टेशन मिल सकता है। साथ ही साथ आप फ़ोन नंबर पर कॉल करके ये पता कर सकते हैं कि आचार्य श्री कब और कहाँ अवेलेबल हैं, और उसके अनुसार आप 1-to-1 उनसे मीटिंग ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आचार्य श्री, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने बहुत सुना है, लोग कहते हैं कि जो आपके भाग्य में है वही तो मिलेगा। कहा जाता है कि लोग, हर कोई चाहता है इस भौतिक जीवन में कि मेरे पास ढेर सारा धन हो, क्योंकि भौतिक का मतलब धन, धन ना हो तो भौतिक क्या आप करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि मेहनत से कुछ नहीं होता, आपके प्रारब्ध में, भाग्य में धन होगा तभी मिलेगा, क्या ऐसा है कुछ? देखिए, भाग्य से अल्टीमेट तो कोई चीज ही नहीं जी, है ना। भाग्य जिसका अच्छा है इसका मतलब उसको हर प्रकार के सुख सुविधाएं, उसकी लाइफ पीस, हैप्पीनेस ये तो रहने वाला है जी। लेकिन भाग्य को बनाने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी जी। ईश्वर ने आपको एक ऐसा वरदान दिया है कि आप इस सृष्टि के अंदर या जिस संसार में आप रह रहे हैं, आप कुछ बहुत अच्छा इन्वेंट करना चाहते हैं जी। तो आपको साइंस की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब साइंस की पढ़ाई करने के लिए आपको ज्योतिषी एक राह दिखाता है कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको कौन सा स्ट्रीम अच्छा रहेगा ताकि आप उस राह पे चलें। तो किस्मत और आपका कर्म ये दोनों हमेशा बैलेंस रहते हैं। अगर आप एक चीज को कमजोर कर देंगे तो दोनों काम नहीं करेंगे जी, दोनों एक साथ ही काम करेंगे। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपने आजमा रखी है, तो कर्म कीजिए। और अगर आप कर्म करने में, मेहनत करने में बिलीव करते हैं, भाग्य साथ नहीं देता, तो ज्योतिषी सलाह लेकर थोड़ा सा भाग्य को पॉलिश कीजिए। ये दोनों चीजें लाइफ को चेंज करने में मददगार साबित होती जी। यानी कि खूब मेहनत के साथ साथ सफलता नहीं मिल रही है तो थोड़े दूसरे पहलू पर सोचना होगा कि तो क्यों भाग्य जिम्मेदार, भाग्य जिम्मेदार, भाग्य जिम्मेदार जी। बिल्कुल, मैंने टीवी स्टार्स के कई सारे इंटरव्यू देखे, उनसे मिलता भी हूं, तो मुझे अक्षय कुमार का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट, हाल में ही एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज से भी मिले थे। हाँ, सेलिब्रिटीज बहुत अच्छे अच्छे मिलते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो अक्षय कुमार जी का एक स्टेटमेंट मुझे ध्यान आता है, वो कहते हैं कि मेरे से बहुत सुंदर स्मार्ट लोग इस इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं जी, शायद मेरा भाग्य बहुत अच्छा है जिसकी वजह से आज मेरा इतना अच्छा नाम है। मेहनत तो वो भी कम नहीं करते जी जी। तो इसलिए भाग्य के साथ किस्मत दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल, तो भाग्य और किस्मत का तालमेल बहुत जरूरी है, और आपकी समस्याओं का समाधान के लिए आचार्य श्री से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। आपको हम बता दें कि अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, इंडस्ट्रीज़, बिजनेसमैन, फैमिलीज़ आचार्य श्री से कंसल्टेशन लेकर लाभ उठा रहे हैं। आप भी अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निजात पा सकते हैं, उनसे मीटिंग करके और कंसल्टेशन ले सकते हैं। अभी कुछ ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं आचार्य श्री, तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा इंतज़ार करें तो आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और आप फ़ोन पर ये भी पता कर सकते हैं कि आचार्य श्री कब और कहाँ अवेलेबल हैं, उसके अनुसार आप 1-to-1 मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और जो आप चाहते हैं उसका समाधान आपको मिलेगा। चलिए, आपके द्वारा जो प्रश्न भेजे गए हैं उसे लेते हैं। तो आचार्य श्री, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है गुड़गांव से है ये, और ये पूर्णिमा है, ये आपको प्रणाम करती हैं सबसे पहले, और कहती हैं आपके कार्यक्रम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती। आपसे एक प्रश्न पूछना है कि आप कई बार अपने प्रोग्राम्स में और यूट्यूब चैनल पर 6-8-12 के बारे में जिक्र करते हैं, और ये भी कहती हैं कि यदि 6-8-12 का समय चल रहा हो तो बहुत नुकसान होता है, कृपया विस्तार पूर्वक इस विषय पर बताएं और इस प्रश्न को अपने एपिसोड में भी शामिल कीजिए। आप इंटेलिजेंट तो हो क्योंकि आपने यूट्यूब में या हमारे संस्कार के चैनल में जो एपिसोड देखे उसमें आपने एक वर्ड पिकअप कर लिया कि 6-8-12 क्या हो जी। और आज बहुत सारे दर्शकों को और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा समझने का। 6-8-12 से जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं। पहले आप जितने भी हमारे प्रोग्राम देखते हैं तो मैं उसमें बार बार 10-11 और 6-8-12 का जिक्र करता हूं जी। तो जो नवीन दर्शक हैं जो पहली बार देख रहे हैं प्रोग्राम, वो 10-11 लिख के गोला लगा लीजिए और 6-8-12 लिख के गोला लगा लीजिए और 5 और 9 लिख के गोला लगा लीजिए। आज बड़ा विस्तार से समझाते हैं जी। जी देखिए, 5 और 9 ये हमारी कुंडली का 5वां घर और 9वां घर है। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं जी।
मैं अपनी क्लासेस के अंदर बोलता हूँ कि पांचवा घर और नौवा घर ना हमारा कृष्णा है। कृष्णा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कृष्णा ने सारथी बनकर अर्जुन को और पांडवों की नैया पार करा दी जी। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी, सेना दुर्योधन ले गई थी। यानी कि जब जब आपके घर में, आपके बिजनेस में, बच्चों की एजुकेशन में, माने किसी भी प्रकार से परेशानी आती है, तो पांचवा घर और नौवा घर एक फ्रेंड और फैसिलिटेटर बनके आपकी कुंडली के अंदर, आपके जीवन के अंदर साथ देते हैं जी। यानी कि ये दोस्त बन गए, तो इनको मैं दोस्त बोलता हूं। दसवां घर और ग्यारहवां घर, दसवां घर अभी हमने पिछले प्रश्न में भी लिया, टेंथ हाउस कार्मिक थ्योरी का होता है, जिसको हम नेम, फेम, स्टेटस, आपके काम धंधा, आप क्या जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, उस पर डिपेंड करता है। और आज अगर 80% देके मेल्स हैं या फीमेल्स हैं तो करियर ओरिएंटेड है सारे के सारे। और ग्यारहवां घर जो होता है वो हमारी कुंडली के अंदर लाभ का होता है जी। लाभ मतलब आपको कितनी आय प्राप्त होगी, आपको बच्चों का सुख कैसे मिलेगा, आपको शादी का सुख कैसे मिलेगा, मतलब हर प्रकार के रियलाइजेशन ऑफ डिजायर और प्रॉफिट आपको ग्यारहवें घर से मिलते हैं। तो 10 और 11 जिनकी कुंडली के अंदर ये योग बनता है, या जिन दशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में, अंतर दशाओं के अंदर ये 10-11 सिग्निफिकेशन के अंदर आता है, इनकी बल्ले बल्ले है जी। यानी कि इनकी लॉटरी है, ये कुछ भी कार्य करें इनका कार्य चल जाएगा। अब छठा घर, आठवां घर और बारहवां घर, ये हमारी कुंडली का बैड हाउसेस में काउंटेड होता है। छठे घर को तो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर छोटा गुंडा बोलता हूँ, आठवें को बड़ा गुंडा बोलता हूँ, और बारहवें को गुंडों का सरताज बोलता हूँ। इसको गुंडे मत समझिएगा, एक लैंग्वेज समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। छठा घर के अंदर हमारी परेशानियां शुरू होती हैं, उलझने शुरू होती हैं, रोग, ऋण, शत्रु और कॉम्पिटिशन का घर होता है। सातवां घर हमारी शादी का होता है, तो सातवें घर का बारहवां घर छठा घर होता है, और बारहवां घर हमारा लॉस का होता है, तो कहीं ना कहीं तलाक की शुरुआत भी छठा घर कराता है। तो यानी कि छठा घर तो अच्छा नहीं है। आठवां घर हमारे जीवन का क्रॉनिकल डिजीज, हमारी मृत्यु, हमारे जीवन के ऑब्स्टेकल्स और हमारी हर प्रकार की परेशानियों का होता है। मेरे शब्दों में, मेरे ओपिनियन में अगर बात करें तो आठवां घर हमारी कुंडली का सबसे ज्यादा खराब घर होता है। अब देखिए, अब आपकी दशा चल रही है, अब छठा घर और आठवां घर इकट्ठे हो गए जी। ये दोनों कैसे, मैंने बताया, इसका मतलब ये दोनों छोटे और बड़े गुंडे बन के क्या करेंगे, हमारे जीवन को परेशान कर देंगे, मतलब हमारे जीवन में हर प्रकार से परेशानी और प्रॉब्लम्स ले आएंगे। अब बारहवां घर क्या होता है, वो इनको और आशीर्वाद दे देता है, क्योंकि बारहवां घर हमारे जीवन का लॉस, हर प्रकार के एक्सपेंसेस, हेल्थ लॉस, बिजनेस लॉस, हॉस्पिटल के लॉस, यानी कि खर्चे हो रहे हैं आपके, कोर्ट कचहरी के खर्चे हो रहे हैं, अरेस्ट हो, कोई अरेस्ट हो जाता है, जेल यात्रा करनी पड़ जाती है, तो बारहवें घर के एट्रीब्यूट, आठवें घर के एट्रीब्यूट और छठे घर के एट्रीब्यूट हमारे जीवन के लिए बहुत परेशान करते हैं। इनको हम बोलते हैं त्रिक भाव, यानी कि इनको अगर नामकरण बोलें वैदिक ज्योतिष में तो त्रिक भाव बोलते हैं। तो जब आपकी दशा चल रही है, चाहे वो किसी भी ग्रह की चल रही है, अगर उस समय 6-8 बार आ रहे हैं तो आप सोचिए क्या होगा, बुरा ही होगा। अगर 10-11 आ रहे हैं तो बल्ले बल्ले होगी, 5-9 आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो पूर्णिमा, मुझे लगता है आपको 6-8-12 के बारे में पूरी डिटेल पता लग गई होगी, यानी कि 6-8-12 हमारा वर्स्ट हाउसेज होते हैं अगर ये पीरियड हमारी कुंडली के अंदर चल रहे हैं तो। और आम तौर पर जब व्यक्ति ज्योतिषियों के पास जाता है या कुछ परेशानियों के लिए जाता है, तो उस समय उनकी 6-8-12 की दशाएं चल रही होती हैं, 6-8-12 का पीरियड एक्टिवेट होता है, तभी समस्याएं आती, तभी समस्याएं आती हैं जी। तो आचार्य श्री, कई बार होता है कि सब कुछ चल रहा हो और मतलब हल्की कुछ चीज़ें होती हैं जो रुकावटें आती हैं, लेकिन वो शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति को तब पता चलता है जब सब कुछ लूट चुका होता है। तो कुछ ऐसा कि किसी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, अब हमें ज्योतिषीय सलाह लेना चाहिए, कुछ ऐसे हैं सिम्टम्स की जिससे पता किया जा सके? देखिए, आज मान लीजिए आपकी किसी की हेल्थ खराब है और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा हुआ है जी, आपने क्या करना है, घी, मक्खन, तेल, फ्राइड फूड कम कर दीजिए जी, आप योगा कीजिए, वॉक कीजिए। वो क्या करता है, वो प्रिवेंटिव थ्योरी पे काम करता है, माने वो प्रिकॉशन करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए जी जी। लेकिन अब किसी का वो डैमेज ही हो चुका है उसको, यानी कि एक छोटा सा माइनर अटैक आ चुका है, अब वो क्या करेगा, अब वो प्रिवेंशन थ्योरी के साथ साथ दवाइयां भी खाएगा जी, रेमेडीज भी करेगा। ज्योतिष का एक इतना अच्छा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जिनकी कुंडली में 6-8-12 परमानेंट डला हुआ है,
इसका मतलब वो पिछले जन्म से कुछ कर्म ऐसे करके आए हैं, उनका क्या ईश्वर ने कुंडली बनाया, कष्टी लिखा, ये तो कष्टी लिखा हुआ है, तो क्यों ना इनको ऐसे काम में स्टार्टिंग से डाल दे कि जहां कष्ट ज्यादा है जी, तो कष्ट माइनस कष्ट जीरो हो जाएगा जी। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने बहुत उधम मचाना है, बच्चे ने बहुत झगड़ा करता है, और एक अच्छे ज्योतिषी ने पढ़ा कि ये तो आने वाले टाइम में हाथापाई करेगा, एग्रेशन करेगा, तो क्यों ना उसको आर्मी में डाल दो जी, क्यों ना उसको पुलिस फोर्स में डाल दो, माने इस प्रकार की चीजों में डाल दो जहां एग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर वो किसी बैंक में रेलवे में चला गया और किसी के ऊपर हाथ उठा दिया तो उसका तो करियर गया जी। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है और उसकी कुंडली में योग बनता है कि इसको हॉस्पिटल अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और वो इंटेलिजेंट भी है, उसको डॉक्टर बना दो, क्योंकि उसके किस्मत में, उसके प्रारब्ध में अस्पताल डॉक्टरों के साथ कनेक्शन लिखा ही लिखा है जी। ऐसी किसी का पुलिस के साथ, कोर्ट कचहरी के साथ इतना कनेक्शन है, यानी कि जीवन में इतने कष्ट हैं, 6-8-12 से भरी हुई कुंडली है, क्यों ना इसको लॉयर बना दे, क्योंकि लॉयर को आप देखो कैसे लोगों से जुड़ा हुआ है, वो इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। और आपको एक राज और सीक्रेट की बात बताते हैं, ज्योतिष विद्या का ज्ञान, अकल्ट साइंस का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान भी 8वें घर से आता है। आठवें घर को हम कहीं ना कहीं शमशान का घर भी बोलते हैं, तो शमशान में जाने के बाद तो एक अलग ही ज्ञान मिलता है ना कि जीवन भी कुछ नहीं है, निरर्थक है, सब कुछ कमाना दमाना बेकार है जी। क्योंकि क्या लेके जाएंगे, ये ज्ञान क्या है, ये डेप्थ का ज्ञान है। तो आठवां घर जिसका बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो उसको बहुत समस्याएं आ सकती है, अगर वो ज्योतिष के करियर में है या ज्योतिष में रुचि रखता है या अध्यात्म में रखता है तो भी उसकी आठवें घर की काट हो जाएगी जी। तो हमने क्या किया, हमने जो आपकी कुंडली बोल रही है आपको उसी के अकॉर्डिंगली चला दिया जी। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बात करते हैं कि मुझे बहुत घाटा होने वाला जी, या मुझे दिक्कतें हो रही हैं, तो हम बोलते हैं हम आपके लिए आपकी कुंडली के अनुसार बुफे सजाते हैं जी। भाई एग्जांपल देते हैं, एक प्लेट में बीमारी पड़ी हुई है, एक प्लेट में ऑब्स्टेकल है, एक प्लेट के अंदर एक्सीडेंट है, और एक प्लेट के अंदर विदेश यात्रा है, आप क्या लेंगे, विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, बाकी चीज नहीं लेंगे ना जी। तो हम इस प्रकार से ज्योतिष की आज आधुनिक कैलकुलेशन में इसको प्लान कर सकते हैं, जिसको हम इवेंट प्लानिंग की रेमेडीज कहते हैं जी, और ये बहुत 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 काम करता है जी। तो आचार्य श्री ने इतनी अच्छी बातें बतलाई और आप इसी प्रकार की बातों को जान सकते हैं उनसे कंसल्टेशन लेकर, और ये बहुत ही आसान है, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उसके माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आचार्य श्री से कंसल्टेशन लेकर लाभ उठा रहे हैं, तो आप पीछे मत रहिए, बस एक नंबर की दूरी पर हैं, कॉल कीजिए और कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप चाहें तो ये भी पता कर सकते हैं कि आचार्य श्री कब और कहाँ अवेलेबल हैं, उसके अनुसार आप 1-to-1 मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और उनसे उनकी राय ले सकते हैं और आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आचार्य श्री, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।